ध्यान असंगता का बोध है। चाहे जितनी भीड़ हमें मिले, चाहे जितने साथी बराती अनुगामी पीछे लगे रहें, लेकिन अपने तन और मन का दुख खुद भोगना है। तन का दुख तो प्रारब्ध कृत है, मन का दुख बंधन है। तन का दुख भी सब प्रारब्ध कृत नहीं होता है, अपने दुरुपयोग का परिणाम होता है। लेकिन शरीर में ऐसे कुछ दुख आते हैं जिसका प्रत्यक्ष कारण का पता नहीं लगता है। वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इसमें हमने कोई असावधानी की है। ऐसे दुख को हम प्रारब्ध कृत मानते हैं, पूर्व जन्मों के कर्म फल। शरीर में अधिकतम दुख आज के दुरुपयोग से होते हैं, खान पान रहन सहन आचार विचार श्रम, ये सब में संतुलन न होने से। शरीर में श्रम भी चाहिए, श्रम अगर नहीं रहेगा, खान पान में संतुलन भी रहेगा और श्रम नहीं रहेगा शरीर में, तो तकलीफ होगी। शरीर में श्रम चाहिए, श्रम करने का अवसर जिसे न हो उसे व्यायाम भ्रमण ये सब की जरूरत है, जिससे कि श्रम शरीर में हो जाए। और खान पान का संयम, आचार विचार का संयम, इंद्रियों की उत्तेजना से बचना, तो शरीर के दुख भी कितने ऐसे होते हैं जो आज के बनाए हैं, अधिकतम दुख आज के बनाए हैं। मन का दुख ये बंधन है, मन का दुख है मोह। मोह से दुख उत्पन्न होता है, मोह मिट जाने पर दुख नाम की चीज मन की नहीं रह जाती। मन में तभी पीड़ा होगी जब हमारे मन में मोह उत्पन्न होगा। मोह द्वैत को उपस्थित करता है, मोह त्याग देने पर अद्वैत हो जाता, अकेला। पारख सिद्धांत अद्वैत ही मानता है, जो बोध अवस्था है वह अद्वैत है। साधना की चोटी पर पहुंच जाने पर अद्वैत हो जाता है। साधना की चोटी है चित्तवृत्ति का निर्वार। मन तो जीवन भर रहता है, वृत्तियों का निर्वार होता है। पानी रहे तरंग न रहे, तो पानी में तो तरंग स्वभाव से आती है, पानी का स्वभाव है तरंग। लेकिन मन में जो तरंग आती है वो अपने अविवेक से आती, मान्यता से आती है। हवा स्वभाव से चलती है, आदमी स्वभाव से नहीं चलता है, विचार के चलता है। बच्चे खेल रहे हैं सड़क में, बवंडर आएगा, बच्चे को रौंद देगा, वो गिर पड़ेंगे, बवंडर निकल जाएगा। स्वभाव से बवंडर आया, उसमें कुछ सोच विचार नहीं है। लेकिन एक कुत्ता अगर उधर से दौड़ता जा रहा है तो बच्चों को बचा करके दाएं बाएं से निकल जाएगा, क्योंकि वो समझ करके दौड़ता है, विचार करके दौड़ता है।
हवा विचार करके नहीं दौड़ती है, उसमें विचार की शक्ति नहीं, ज्ञान ही नहीं, जड़ है वो, स्वभाव से चलती है। पानी की धारा स्वभाव से चलती है, कोई उसमें विवेक नहीं है। आदमी चलता है तो विचार से चलता है, कहीं जाना है तब चलता है। जब जाने का विचार बदल जाता है तो बीच रास्ते ही से लौट पड़ता है। जड़ की क्रिया स्वाभाविक है, चेतन की क्रिया मान्यता से है। हमारे चित्त की तरंग हमारी मान्यता पर निर्भर करती है। मान्यता हमारी शुद्ध हो जाती है, तरंग शुद्ध हो जाती है। जब मन में ये होता है कि तरंग न उठे तो तरंग नहीं उठती है, लेकिन ये साधना की परिपक्वता में होता है। जब निर्मोहता पक्की हो जाती है तब साधना मजबूत होती है। निर्मोहता कैसे पक्की हो, एक साधक थानेदार ने मुझसे पूछा, जिसने रात में मेरा प्रवचन सुना और दिन में आया। जब मेरे पास पहुंचा तो उसने कहा कि मैं जांच में गया था इसलिए इस ड्रेस में हूं, आपको अटपटा लगे तो मैं इसको उतार दूं। मैंने कहा नहीं, आप पहने रहे। उनके लिए मैंने कुर्सी भी मंगवा दी, क्योंकि वो नीचे बैठने में परेशान हो रहे थे, उन सूट में थे। मैंने कहा आप जो पूछना चाहे पूछें। उनका पहला प्रश्न था निर्मोहता कैसे पक्की हो, थानेदार भी ऐसा होता है। मनुष्य तो है, कहीं भी कोई हो, कोई विवेकी हो सकता है। मैंने कहा निर्मोहता पक्की होगी तत्व विवेक से। तत्व विवेक जो जैसे है उसको वैसे समझने से निर्मोहता पक्की होगी। मेरी गोद में मेरा प्यारा पुत्र है, और जब विचार और हुआ तो एक लड़का है, थोड़ा और विचार हुआ तो मांस का लौंदा है, थोड़ा और विचार हुआ तो मिट्टी का पिंड है, थोड़ा और विचार हुआ तो कणों का प्रवाह है। विचार की गहराई में हम जितना उतरते जाते हैं, बच्चे के विषय में मोह समाप्त होता जाता है। कणों का प्रवाह जो हम समझते हैं, मोह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अंतिम स्थित को देखने से मोह अपने आप समाप्त हो जाता है। जीवन भर चाहे जितनी गहमा गहमी रहे, एक दिन वह आना है जब हमारा शरीर पड़ा रहेगा जमीन पर, और ये हुआ होगा कि छूटने वाला है और छूट भी जाएगा। लोग कहेंगे शरीर छूट गया, ये आना पक्का है। जीवन भर की गहमा गहमी का क्या मूल्य रहा, बहुत पैसे हमने गिने, खूब तह तह करके रखे, बैंक में भी जमा किए, बहुत प्रेमी नेमी मिले, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अंत में क्या रहा, अंत में कहीं कुछ नहीं रहा, शून्य। इस विचार में जो रहेगा उसका मन निर्मोह होगा। अंत को देखने से निर्मोहता आती है। अंत दशा लिए आदमी सोई सांच वैराग, सो सुखिया त्योलोक में जाको निश्चय त्याग, ये सद्गुरु पूर्ण ने कहा है। अंत दशा को आदि में ले लेने से सच्चा वैराग होता है। वैराग मन की अवस्था है, सबको वैराग की जरूरत है, सबको, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त, सबको वैराग की जरूरत है।
निर्मोता। मन रहता है, तरंग समाप्त हो जाती है, ये समाधि। समाधि में कोई सुसुप्ति नहीं रहती है। जो लोग कहते हैं, कुछ लोग हमसे बड़े विधान पूर्वक समय समय से कहते हैं कि साहब ध्यान में बैठता हूँ सब भूल जाता हूँ, फिर आगे पीछे गाड़ी घोड़ा हुआ हल्ला हुआ मुझे कुछ पता नहीं लगता, तो इसका मतलब वो सो जाते हैं। ध्यान है पूरा जागृत रहना और मन की तरंग से रहित रहना, मन शांत रहना। बीच में कुछ ख्याल आया छोड़ दिया, लंबे लंबे समय तो को एकदम शांत रहेगा। जब विवेक की शक्ति बलवान हो जाती है, निर्मोहता पक्की हो जाती है, तो मन चलने का कोई अवसर नहीं रहता। कहाँ मन चले, चारों तरफ क्या है कूड़ा कबाड़ के अलावा। जहाँ तक हमारे चित्त में आकर्षण होता है, अविवेक का फल है। जिसमें हमारा आकर्षण होता है, चार दिन में वो कुछ नहीं लगता है। मोही आदमी को भी इसका अनुभव होता है, तत्काल तत्काल अनुभव होता है। जिसमें वो आकर्षित हुआ, थोड़े क्षण में उससे विकर्षित होता है, घृणा होती। एक सज्जन ने कहा, व्यंजन और मिष्ठान बनता है बड़ा अच्छा लगता है, ये खा लेने के बाद मज़ा नहीं आता है। अब खा लिए खूब जम कर गए, पीछे तकलीफ होगी, वितृष्णा होगी उससे। सांसारिक आकर्षण के प्रति वितृष्णा सामान्य व्यक्ति को भी होता है, होता है, लेकिन फिर वैसे वो करता है। सौ सौ जूता खाए, तमाशा घुस के देखे, जूता खाता रहता है और तमाशा देखता रहता है, दुख भोगता रहता है और फिर उसी में डूबता रहता है। तो ये कोई विवेक नहीं। जिसको दुख समझे उसे हट जाए, ये समझदारी। असली समझदारी तो यह है कि आगे खंभा है तो बचा के निकल जाए। दूसरी बात है, उससे टकरा गया तब फिर सावधान हो गए। लेकिन टकराता ही रहे जीवन भर, टकरा टकरा के अलग हो, तो ये विवेक नहीं। जिसको दुख समझे उसका त्याग करे, जिसको बंधन समझे उसका त्याग करे। त्याग करने से त्याग की शक्ति बढ़ती है। किसी दिशा में चलने से चलने की शक्ति बढ़ती है। जो हरदम बैठा रहता है वो थोड़ा भी चलना हो बहुत परेशान होता है। किसी दिशा में शक्ति बढ़ती है अभ्यास से, त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ती है। त्याग करना शुरू करो, आपका मन विवेक में बलवान हो जाएगा। कायर कूचरपन अपनाए रखोगे, जिंदगी बीत जाएगी जहाँ के तहाँ रहोगे। वैसे शोक, वैसे मोह, वैसे दुख, वैसे पीड़ा, वैसे मन की झीक, क्लेश वैसे बना रहेगा। त्याग करना शुरू करोगे और इस प्रयास में आगे बढ़ोगे तो वो बात खत्म हो जाएगी। असंगता समाधि है, अकेलापन समाधि है। अकेलेपन का अनुभव करो। सबके बीच में रहते हुए भी अकेले हैं, इस अकेलेपन का जब परिपक्व बोध होता है और ऐसे मन की रहनी हो जाती है, तो मन से दुख उसी प्रकार निकल जाता है
जैसे कांटा चुभा हो वो पीड़ित करता हो, लेकिन वैद्य आए और मोचना से उसको निकाल दे, तुरंत राहत मिले। ऐसे अपने आप को सबसे असंकल लेने पर पूरी राहत मिलती है। हम अपने को सब में डाल डाल करके स्वयं दुखी हैं और दूसरे को भी दुखी करते हैं। जो विवेक में रहता है उसके द्वारा दूसरों को दुख नहीं होता है, सुख होता है। विवेक में रहता है उसमें त्याग रहता है और त्याग सबको सुख देता है। हमारे बीच में एक भोगी वृत्ति वाला मनुष्य आ जाए, हरदम लोलुपता की बात करे, हम सब परेशान हो जाएंगे, लेकिन त्याग वाला हो सबको संतोष होगा। जो लोग कहते हैं कि त्यागी बन जाने का मतलब तो यही है कि दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं, दुनिया की कोई परवाह नहीं, ये भी सच है कि दुनिया से उसे कोई प्रयोजन नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसके द्वारा दुनिया की सेवा नहीं होती है। दुनिया से प्रयोजन भी है, परवाह भी है। संत पुरुष जो सेवा का काम करते हैं वो परवाह करके ही तो करते हैं। शारीरिक प्रयोजन सबको लगा रहता है, खाना पीना, सोना जागना, कपड़ा लत्ता, औसत पानी, ये प्रयोजन सबको है। प्रयोजन प्रयोजन में अंतर है, वृत्त में अंतर होने से जीवन की रहनी में अंतर हो जाता है। वही काम विवेक पूर्वक किया जाता है तो बंधन को काटने वाला होता है, वही काम अविवेक पूर्वक किया जाता है तो बंधन बनाने वाला होता है। इसलिए विवेक जग जाने पर सब कुछ सीधा हो जाता है। विवेक जगाएं, अपनी असंगता का बोध हर क्षण रखें। जीव के साथ में कुछ नहीं, ये गूढ़ तत्व नहीं है, सरल तत्व है, सब जानते जानते तो हैं लेकिन मन में है नहीं, स्थिर नहीं रहता है। और ये सबका अनुभव है। यूरोप की एक महिला से मैंने जब स्वरूप ज्ञान के विषय में कहा और कहा कि जीव के साथ में कुछ नहीं है, तो उसने बड़ी गंभीरता से कहा कि ये बात मन में स्थिर नहीं रहती है। हजारों किलोमीटर के दूर का आदमी भी वही अनुभव करता है जो हम अनुभव करते हैं, क्योंकि मन सबका वही है। साधना करके जब तक लक्ष्य को स्थिर नहीं किया जाएगा तब तक एकरस वृत्ति बन नहीं सकती है। कौन नहीं जानता है कि मौत है शरीर की, लेकिन कितने क्षण याद रखते हैं। साल साल बीत जाता है, 10 मिनट भी गहराई से उस पर आदमी नहीं सोचता है। जब कोई मर जाता है तब उसे लगता है दुनिया झूठी है, या कहीं ज्ञान की किताब पढ़ा तो लगा दुनिया झूठी है। जब तक अपने को अलग नहीं किया करोगे कुछ समय के लिए, तब तक अपनी स्थित का अनुभव नहीं कर पाओगे। भीड़ में डाले डाले, प्रपंच में डाले डाले अपनी दशा का अनुभव नहीं होगा। जब अपने को अलग रख करके समय समय से अपनी वास्तविकता का बोध रखा जाएगा तो ये अभ्यास बन जाएगा। लोगों के बीच में रहते हुए भी वो वृत्ति बनी रहेगी। परहेजगारी बहुत जरूरी है। बिला जरूरत रूप न देखो। टीबी आजकल भयंकर रोग है और उसमें काम की चीज तो कम, बेकाम की चीज ज्यादा।
काम की चीज कोई देख ले, ज्ञान की बात कोई आती हो थोड़ा मोड़ा देख ले। टीवी के सामने लोग बैठ के बैठे रहते हैं, उसमें जो कुछ आता है बकवास सब देखते चले जाते हैं, दिमाग खराब करते चले जाते हैं, दिमाग में भरते चले जाते हैं। वैसे ही पूरा संसार भयंकर टीवी है और इस संसार का अध्यास वैसे जमा है। अब एक यंत्र से भी और भर रहे हो चित्त में, जब सोने का समय है, ध्यान का समय है, चिंतन मनन का समय है, तो टीवी में खराब कर रहे हो। टीवी जब से आया है तब से सोने का समय और बढ़ गया है। जो लोग 10 बजे सोते थे 12 बजे सोते, जो 11 बजे सोते वो 2 बजे सोते, 3-3 बजे तक लोग जागते हैं, तब सोते हैं तो 9 बजे तक सोते हैं। ये कितना अपने शरीर के साथ शत्रुता का व्यवहार करना है। टीवी से बचो जितना बन सके। कोई ज्ञान की बात हो, कहीं कुछ कल्याण की बात हो, देख लो थोड़ा मोड़ा, टीवी से बचो। टीवी में समय बर्बाद न करो, व्यर्थ वार्ता से बचो, राजनीतिक वार्ता से बचो। लोग बैठेंगे राजनीति की बात शुरू कर देंगे, न उसमें लेना न देना न कुछ करना न धरना, लेकिन उसी में उलझे रहेंगे। परहेज की जरूरत है, बिला वजह की बात न बोलो, निरर्थक रूपों को न देखो, निरर्थक गंध न ग्रहण करो, निरर्थक स्पर्श न करो, अपने शरीर के अंगों का निरर्थक स्पर्श न करो, संवेदनशील अंगों का तो बिल्कुल स्पर्श न करो, केवल धोने के लिए साफ करने के लिए स्पर्श करो, बाकी स्पर्श न करो। निरर्थक न बोलो, निरर्थक न सुनो। पांचों ज्ञान इंद्रियों के प्रपंच को संभालो, देखो थोड़े दिन में दिव्य स्थित हो जाएगी। जो कमाई करता है उसको धन मिलता है। बचपन में मैंने हेड़ा स्कूल देखा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ लोगों को शिक्षा, पहले हेड़ा स्कूल कहा जाता था, अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में भी हेड़ा स्कूल, जो परिपक्व हैं उनके लिए स्कूल। तो अध्यापक आते थे, कई लालटेनें जल जाती थी, गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे, वो पढ़ाते थे। और उनमें पढ़ाए तो 25-50 को, कुछ दिन के बाद मैंने देखा 1-2 को जो लगनशील थे, और 1 को मैंने ज़्यादा देखा, वो एकदम अक्षर नहीं जानता था और 35-40 वर्ष की उम्र वाला रहा होगा। वो भी उसी में पढ़ा और फिर हेड़ा स्कूल तो कुछ समय के लिए होता, वो ख़त्म हो गया और स्वयं पढ़ता रहा, फिर उसी आधार पर वो धर्म ग्रंथ पढ़ने लगा और देखा कि वो धर्म ग्रंथ ठीक से पढ़ रहा, बाकी लोग जहाँ के तहाँ। तो लगन के बिना कुछ नहीं होता है। विद्यार्थी जीवन है तो जम करके पढ़ना चाहिए, किसानी जीवन है तो किसानी में गोबर माटी ठंडी गर्मी से जो डरेगा वो किसानी कर पाएगा, व्यापार में जम करके काम करना चाहिए, कहीं सर्विस है चुस्ती से टाइम तक काम करो। साधु अपनी साधना का काम करे, और साधना का काम तो सबको ही करना है, किसी दिशा में निरंतर परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती। और उसके मूल में है लगन, बिना लगन के निरंतर श्रम नहीं हो सकता है। बिन शौक फकीरी मिट्टी, ये कहावत है, फकीरी भी
बिना शौक के मिट्टी है, फकीरी का शौक होना चाहिए, तब फकीरी अच्छी बनती है। हर समय अपने को असंग बनाने के विचार में साधक को रहना चाहिए, अपनी असंगता का बोध होना चाहिए। जीव अकेला है और अपने को अकेला कर लेना ध्यान की उच्चतम अवस्था है। दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बिंद योग, साकार योग, अनेक प्रकार से साधनाएं हैं मन को ठहराने के लिए। बंद आँखों में जो दिखाई दिया उसी में मन ठहराया, दृष्टि हो गए। सांस पर मन ठहराया, स्वर हो गए। सांस पर मन ठहराने का मतलब है कि सांस का ही ख्याल रखना और कुछ ख्याल न रखना। बिंदु पर एक चमकता हुआ बिंदु की कल्पना कर ली, उसमें मन ठहराया, बिंदु हो गए। अंदर में नाद होता है और कान बंद करने पर वो सुनाई देता है, और जिसका अभ्यास रहता है उसको बिना कान बंद किए सुनाई देता है। नाद योगी कितने होते हैं तो जीवन भर नादे सुनते रहते हैं, नाद को ब्रह्म मानते हैं, ये भी भटकाव है। वो तो आरंभिक साधना में चित्त चंचल है, कहीं स्थिर करना चाहिए, तो ये सब स्थूल स्थूल साधन है। दोनों कानों में उंगली डाल ली, अंदर की गनगनाहट सुनने लगे, बाहर की बातें भूल गए। इस प्रकार अपने मन को प्रपंच से हटाने का ये साधन है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। नाद ब्रह्म नहीं है, नाद तो ध्वनि है, शब्द है, विषय है। पांच विषयों में एक विषय। साकार योग, किसी महापुरुष संत पुरुष का चित्र मन में ले लिया, उसमें मन ठहराया, तो ये सब साधनाएं आरंभिक चित्त को स्थिर करने के लिए है। अंतिम साधना है सारे विचारों को छोड़ना। नदी के तट पर व्यक्ति बैठा है, नदी की तरंगमालाओं को देखता है, बहता नहीं केवल देखता है, तो ऐसे संकल्पों को केवल देखना उदासीन होकर, बहना नहीं। और जितना उदासीन होगे संकल्प शांत होंगे। संकल्प आते भी रहें और उदास होके देखो तो चित्त का भार घट जाएगा, कोई भी अनुभव करके देख सकता है। संकल्प आते हैं, ठीक है आने दो, लेकिन संकल्पों में मिलो मत। जब किसी संकल्प में किसी याद में मिल गए तो आप उसी में बहने लगे, तब दिमाग बोझिल हो गए। कोई संकल्प आए तटस्थ रहो, सावधान सावधान सावधान, छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, तो चित्त हल्का हो जाएगा। साधक को घबराना नहीं चाहिए कि हम सफल नहीं हुए। सफलता तो शुरू हो गई जब ध्यान के लिए बैठने लगे, अभी तक बैठते ही नहीं थे, अब बैठने तो लगे, एक सफलता शुरू हो गई। और फिर चित्त को देखते हो तो कुछ समय के लिए तो सही दशा आ जाती है, सफलता हुई, ऐसे सफलता बढ़ती है। कमाने कबूतर, खमाने खरगोश, बच्चे पढ़ते पढ़ते ही विद्वान होते, लेक्चरर प्रोफेसर होते हैं, प्रवक्ता होते हैं। इसलिए सफलता तो स्मरण करते ही, साधना का स्मरण करते ही सफलता शुरू हो जाती है। किसी को हरैला नहीं होना चाहिए, मन परेशान कर रहा है, घबराओ मत, उसको किसने बिगाड़ा है, मैंने ही बिगाड़ा है। राग रंग करके, मोह बनाकर, आसक्ति बनाकर, एक कूड़ा कचड़ा संसार, जिसको हम भोग कहते हैं, पूरा कूड़ा कचड़ा है। सबसे बड़ा भोग काम भोग माना है, जो भयंकर कूड़ा कचड़ा है।
और जिसके परिणाम में केवल पश्चाताप है, मलिनता है। तो जहाँ तक भोग दुनिया का है, जिसमें मन भागता है, कूड़ा कचरा है, और उसी में इसको हमने दौड़ा दौड़ा करके खराब किया है, तो गलती तो हमारी है। मन का हम दोष देते हैं, मन को हमने गड़बड़ाया है, और हमें ही मन को कायदे में लाना है। पारक सिद्धांत कहीं भी आधार नहीं लेता है कि किसी ने हमारा नुकसान किया और कोई फायदा कर देगा, ना तो किसी पर ऑब्जेक्शन और न किसी के लिए आशा कि हमारा कोई कर देगा। पारखी संत भक्त ये जानते हैं कि गुरु की कृपा तो अनंत है, उनकी कृपा न होती, वो न मिले होते, संत न मिले होते, सज्जन न मिले होते, ये दृष्टि ही न मिली होती, कुछ न होता। तो संत, सज्जन और गुरु की कृपा तो अनंत है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, परंतु उनकी कृपा की एक सीमा है। वे बता देंगे, रास्ता दिखा देंगे, उनके वचन से और उनके पवित्र आचरण और पवित्र रहनी से उत्प्रेरित हो करके हमें स्वयं काम करना होगा। पारक सिद्धांत से हट करके मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे ज्ञानी, आत्मज्ञान की बात करते करते फिर सहारा लेते हैं, भूल जाते हैं। इस पर मुझे याद आती है एक घटना। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के ही कार्यक्रम में था, 12-14 वर्ष हो गए होंगे, इलाहाबाद में रेलवे बुक स्टॉल से एक विश्वविद्यालय का छात्र मेरी पुस्तक शाश्वत जीवन खरीदा, तो ले गया अपने पितामह को दिया। उनके पितामह दंडी स्वामी थे, तो उन्होंने उसको पढ़ा, बहुत प्रभावित हुए, स्थान पर आए मेरी खोज में। तो लोगों ने बताया कि अमुक तारीख को आएंगे, तो फिर वे आए जब मैं पहुंचा। ऐसा संयोग उसी दिन कबीर जयंती, और उसी दिन वो आए। तो मैंने कहा स्वामी जी टिकिए, आज तो बात नहीं कर पाऊंगा, कल बात होगी। टिके, दंडी स्वामी लोग बहुत ब्राह्मणवादी होते हैं, तो कबीर विचार गोष्ठी में, कबीर के विषय में कहने में जो लोग बैठते थे, सबके वचन से वर्ण व्यवस्था खंडन तो हो ही जाता था, जात पात का खंडन, छुआछूत का खंडन। मैंने भी खूब कहा, वे सभा में बैठे रहे, सुनते रहे, भोजन करके आए थे। मैंने कहा भोजन, तो उन्होंने मुस्करा के कहा हम लोग तो ऐसे हैं कि ब्राह्मण का बनाया खाते, लेकिन यहाँ तो मैं देखता हूँ सब ब्राह्मण है, इतनी पवित्रता तो मैंने कहीं नहीं देखी, तो इसलिए भोजन करने में मुझे इतराज नहीं है, किंतु आज भोजन नहीं करूँगा, कल करूँगा। तो फल वल दिया गया शाम को। दूसरे दिन जब ध्यान के बाद बैठे मेरे पास, तो जब मैं बोलने लगा वह आँख मूंद के सुनते रहे, जब बोलना बंद किया तो उन्होंने कहा हाँ जब भगवान की कृपा हो। हम कहे कौन भगवान की कृपा, आत्मा ही तो भगवान है। कहे हाँ खैर आत्मा ही परमात्मा, वेदांती थे वो, तो वेदांत में तो ही माना जाता मैं ब्रह्म हूँ। स्वामी शंकर बारंबार प्रत्येक भिन्न प्रत्येक भिन्न प्रत्येक भिन्न कहते हैं, प्रत्येक भिन्न में विश्वास होने से कल्याण होगा। तो प्रत्येक भिन्न का पदच्छेद करने पर होता है प्रत्येक अभिन्न, प्रत्येक नाम भीतर, अभिन्न नाम एक, यानी भीतर जो अंतर ज्योति है, आत्मा है, उससे अभिन्न
भाव जब तक नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। अगर तुम समझते हो ब्रह्म अलग है और तुम अलग हो तो धोखे में हो। प्रत्यक भिन्न बोध होना चाहिए। प्रत्यक भीतर, अभिन्न एक, अपने भीतर से एक हो जाओ, अपनी आत्मा से एक हो जाओ। अपनी आत्मा से अलग कुछ न मानो। बारंबार वो कहते हैं, लेकिन वो भी कभी कह देते हैं दैव की कृपा से, ये चक्कर आ जाता है। तो मैं कहूँ कि आपके अलावा कौन भगवान है? फिर हाँ खैर, भगवान तो अपना आत्मा ही है। फिर मैं बोलने लगूँ तो फिर सुनने लगे। जब मैं फिर बंद करूं कि हाँ जब ईश्वर की कृपा हो तब ऐसा होगा, हम कि फिर आप ईश्वर पर चले गए। कौन सा ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा? कि हाँ खैर, ईश्वर तो आत्मा ही है। जब मैं कहूं तब आ जाए और फिर फिसल जाए। तो ये कमजोरी जो मन की बनी रहती है, ये साधक के लिए बहुत अहितकर है। सामान्य व्यक्ति के लिए अलग बात है, कुछ नहीं जानता, सुनता है भगवान भगवान कहता रहता है, भगवान के भरोसे बढ़िया है, अंधे की लकड़ी, थोड़ा सहारा है, भगवान चाहेगा सो होगा, अच्छा है, संतोष इससे थोड़ा कर ले, अच्छा है। कुछ नहीं जानता है बेचारा, वही कहता है। लेकिन बोध हो जाए, समझ हो जाए, फिर भटकना, कौन आपका उद्धार करेगा? जब तक परोक्ष का भ्रम बिल्कुल टूटेगा नहीं, अपरोक्ष में दृढ़ रूप से स्थिर हो सकता नहीं। हमारा प्रेरिता, हमारा उद्धारक अलग है, यह भाव जब तक बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक साधक अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकता है। हमारा प्रेरिता कोई अलग है और हमारा आधार कोई अलग है, बिल्कुल गलत बात है। कोई अलग हमारा आधार नहीं, कोई प्रेरिता नहीं, हम स्वयं अपने आप के प्रेरक हैं, अपने आप के कर्ता धर्ता हैं। हम ही ने अपने मन को खराब किया है और हमें ही अपने मन को पूर्ण शुद्ध कर लेना है। जैसे एक सिंह का बच्चा पिंजड़े में बंद हो और उसे अंदर से स्वयं तोड़ करके निकलना हो, वैसे आपका है। यद्यपि सिंह का बच्चा पिंजरा तोड़ के निकल नहीं पाता है, जब उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जीवन भर बंद ही रहता है, लेकिन वैसा पिंजरा आपका नहीं है। एक तरफ तो बड़ा बलवान है और एक तरफ उसमें कुछ भी नहीं। मोह कितना बलवान है, दुख पाते हुए भी लोग मोह नहीं छोड़ पाते हैं, और मोह कुछ नहीं है, एक अंधकार धर्मा भ्रांत। प्रकाश द्रव्य है, अंधकार द्रव्य नहीं है। अंधकार तो प्रकाश का अभाव मात्र है, प्रकाश नहीं इसलिए अंधकार है। प्रकाश आ जाए अंधकार खत्म। प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, अंधकार को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। यहाँ प्रकाश है, किसी से कहा जाए थोड़ा अंधकार ले आओ, कैसे लाएगा? लेकिन कहीं अंधकार है, लालटेन जला लाओ, प्रकाश ले आओ, आ जाएगा। प्रकाश द्रव्य, अंधकार द्रव्य नहीं है। ज्ञान द्रव्य है, ज्ञान का आधार द्रव्य है, आत्मा ज्ञान का आधार है, वो द्रव्य है। मोह कोई द्रव्य नहीं है, मोह एक भ्रांति है।
इसलिए उसमें कुछ नहीं, कोई दम नहीं, केवल समझ जाना है। समझ जब हो जाती है, दृष्टि एकदम बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, सृष्टि बदल जाती है। झटके में किसी की दृष्टि बदलती है, उससे आप ज़्यादा समझ सकते हैं। जैसी कहावत है कि गोस्वामी जी अपनी पत्नी के प्रति बहुत मोहित थे, नैहर चली गई थी और जब रात में पहुँचे उसके पास तो उसको आश्चर्य हो गया, तो कहा कि जितना हमारे चाम में आपको प्रेम है, राम में होता तो आपकी दशा कितनी ऊंची होती। इतने में उनको चोट लगी और त्याग कर दिए। ये कहावत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा भी विचार है कि उनकी शादी नहीं हुई थी। पंडित रजनीकांत शास्त्री ने मानस मीमांसा लिखी है, किताब महल इलाहाबाद से वो बिकती है, उसमें उन्होंने लिखा है कि गोस्वामी जी तो शिशु के रूप में मंगतों ने पाया था उनको, और ये बात बहुत प्रसिद्ध, खाली वो उन्होंने नहीं लिखा। वह पैदा होने के बाद मंगतों के पिछवाड़े फेंक दिए गए थे। एक मंगन परिवार था, उसके घर के पीछे वो बच्चा रो रहा था, तो लोग गए देखे, सुबह उठाए और पाले, तो उन्होंने वैसा ही नाम रखा, राम बोला। और रक्षक मांगने वाले थे तो वो भी मांगते थे, मांगते खाते सूकर क्षेत्र में पहुँचे राम बोला। नरहर जी महाराज वाल्मीकि रामायण की कथा कह रहे थे। सूकर क्षेत्र गोंडा जिला में पड़ता है, जो अयोध्या से उत्तर है। तो नरहर महाराज जी ने उस बच्चे को देखा, मेधावी संस्कारी, उन्होंने उसको साथ लिया, वो साथ हुआ तो लिया, और फिर वो जो हुए आप जानते हैं, एक महान पुरुष हुए। तो इसलिए उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी का भी कथन बहुत चलता है कि उनकी शादी हुई थी। महापुरुषों के विषय में जहाँ साफ इतिहास नहीं लिखा गया, वहाँ ऐसे सब होता है। कबीर साहब के विषय में ऐसे ही चलता है बवंडर, और हम लोग तो उसके विषय में पूरा निर्भ्रांत है कि वो विरक्त थे, जीवन से ही विरक्त थे, पूरा जीवन। भरतेर जी महाराज के लिए तो एक ही विचार है, वो राजा थे और अपनी पिंगला नाम की पत्नी में अत्यंत आसक्त थे, व्यामोहित थे, और जब उनको झटका लगा कि पिंगला घोड़ा दरोगा में आसक्त है, तो तुरंत उनको वैराग्य हुआ और गद्दी छोड़ दिए। इतना भयंकर मोह तुरंत टूट गया। इसलिए जो मन का मोह है उसमें कोई दम नहीं है, अविवेक के कारण वो बलवान लगता है। विवेक धीरे धीरे उदय होता है, वो क्षीण हो जाता है। सारे मन के विकारों को हमने सृजा है और हम ही उसको मिटा सकते हैं, ये पक्का निश्चय सब साधकों को होना चाहिए। बैसाखी लेने की जरूरत नहीं है। पारखी संत कभी नहीं कहते हैं कि गुरुजी आपके बंधन को काट देंगे, ऐसा कथन आता है तो उसका अर्थ एक सीमा में है कि आपको बताएंगे, समझाएंगे, तब आप काम करेंगे तो कटेगा। बताना समझाना भी जरूरी है। इसलिए गुरु की कृपा पारख सिद्धांत में अनंत मानी जाती और सभी में मानी जाती, एक वास्तविकता है। लेकिन उनके प्रयास की एक सीमा है। एक कमरे में एक आदमी ताला लगा के बैठा है और बाहर से भी ताला लगा है, तो बाहर का ताला
बाहर वाला व्यक्ति खोलेगा, और भीतर का ताला बाहर वाला नहीं खोल पाएगा। भीतर का ताला तो हमें खुद खोलना पड़ेगा। गुरु बाहर से समझा देंगे और अपने मन के बंधन को हमें स्वयं काटना होगा। उनके विचार सुनते समझते, उनकी संगत में रहते आते जाते अपना मन विवेक में बलवान होगा। ये सब उपकार ही है। सज्जनों संतों गुरुजनों की संगत न मिलती तो आज हम कहाँ होते, कहाँ भटकते होते, हम तो स्वयं महसूस करते हैं। इसलिए सज्जनों संतों और गुरुओं की कृपा अनंत है, किंतु अपना काम स्वयं अंदर से करना होगा। मैंने शुरू में कहा था, असंगता ही समाधि है, असंगता ही ध्यान है। असंगता का बोध हर क्षण जिसको रहता है उसको मानो हर क्षण समाधि। काम करते हुए भी, मोटा से मोटा काम करते हुए भी, हल चलाते हुए, नाली साफ करते हुए, कोई काम करते हुए अपनी असंगता का बोध है तो मानो समाधि में ही। समाधि के स्तर कई होते हैं, ध्यान समाधि के स्तर, जैसे स्वर योग नाद योग इत्यादि कहा जाता है, वो भी एक प्रकार की समाधि ध्यान है। संकल्पों को देखते रहना एक प्रकार का ध्यान है। संकल्प शांत हो जाना अंतिम ध्यान है। लेकिन व्यवहार करते करते निर्लेप मन का रहना समाधि। जो हम एक दो घंटा बैठ करके ध्यान करते हैं, इसी ध्यान से काम नहीं बनेगा। यह ध्यान जब विवेक के रूप में ढल जाएगा और कुछ भी काम करते हुए कहीं भी रहते हुए अपनी सावधानी बनी रहेगी, निर्विकार मन बना रहेगा, वो ऐसी समाधि है कि जो सब समय चलती है। संतोष सहज समाधि भली, इस पद को आप देखिए तो इसमें उसी समाधि का वर्णन है जो सब समय रहने वाली है। इसमें व्यवहारिक काल की समाधि है। आँख न मोदो, कान न रोधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हँसी हँस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा, आँख न मोदो, कान न रोधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हँसी हँस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, शबद निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागे, कहत कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट कर गाई। साहब कहते ये सहज रहनी है, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हंसते बोलते ये रहनी है, और ये सहज रहनी है। कहें कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। तो ये जो सहज समाधि भली में वर्णन है, ये व्यवहारिक सहज समाधि है और यही अस्थाई है। कुछ समय की समाधि जरूरी है, अकेले में बैठ करके करना, उसमें पावर चार्जिंग होगी, शक्ति बढ़ेगी आपकी, और बिल्कुल स्थिरता तो उसी में ही होगी। और में तो कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, तो वो करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसका परिणाम हो जाना चाहिए हर समय मन की असंग स्थित में रहना, असंग भाव में मन का डूबे रहना हर समय, ये सफलता है। शरीर जब छूटेगा तब क्या दशा होगी कोई नहीं जानता है। कहीं धक्के उक्के में छूटेगा, ट्रेन में, बस में, सड़क पर, कि घर में, कि बाथरूम में, कुछ पता नहीं। हम आँख मूंद करके पलथी मार करके ध्यान में बैठेंगे तब शरीर छूटेगा, कि भीड़ में रहते रहते छूट जाएगा,
क्या पता है। इसलिए सब समय समाधि जिसकी है वो कृतार्थ है। अपने मन को जो संभाल लेता है और ये बोध निरंतर बना रहता है कि आत्मा असंग है, यानी मैं असंग हूँ, चाहे जितनी भीड़ मिले सब छट जाएगी, चाहे जितनी गहमा गहमी जीवन में हो शून्य स्थित में पहुंचना है, सारी गहमा गहमी शून्य। उस स्थित को देखने वाला साधक कहीं व्यामोहित नहीं होता है। उसके द्वारा पाप होना तो दूर है, कोई चंचलता नहीं होती है। ये एक रस रहनी है असंगता का बोध, इस बोध में जीना सहज समाधि है।